विंटर सेशन 2023 नागपुर में शुरू हुआ है। इस सेशन में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे नागपुर विधानसभा में पहुंचे, तभी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट ने दिए फैसले का आदर और आर्टिकल 370 का हम स्वागत करते हैं। आर्टिकल 370 के लिए हमारी शिवसेना ने भी सहमति दर्शाकर सपोर्ट किया था। का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को कायम रखा है। हम तो स्वागत करते हैं इसका, क्योंकि आर्टिकल 370 हटाने के वक्त हमने समर्थन किया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उनका हम स्वागत करते हैं। उम्मीद यही करते हैं, आशा यही है कि जो दूसरा आदेश उन्होंने दिया है नेक्स्ट सितंबर तक वहाँ चुनाव होने चाहिए, तो वो भी चुनाव जल्द से जल्द वो हो जाएंगे और वहाँ की जो जनता है उनको खुली हवा में मतदान करने का अवसर मिलेगा और मिलना चाहिए। और साथ ही साथ ये तो बात हुई कश्मीर की, तो साथ ही साथ इलेक्शन लेने के पहले जो POK है वो भी अगर इसमें आ जाए तो पूरे कश्मीर में चुनाव हो जाएगा और कश्मीर अपने देश का जो हिस्सा है वो बरकरार है। कश्मीरी पंडितों का जो मामला है, अब हमें उम्मीद करूं कि विश्वास कौन गारंटी देगा, क्योंकि अभी गारंटी का ज़माना है। गारंटी कौन देगा कि कश्मीरी पंडित जो अपना घर छोड़कर भाग गए या भागना पड़ा उनको, तो वो सारे के सारे अब लौटेंगे, इसकी गारंटी कौन देगा? कौन ऐसी व्यक्ति इस देश में है जो गारंटी देगा कि आने वाले चुनाव के पहले जितने सारे कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर बाहर गए हैं, उनको जाना मजबूर थे, वो जाना पड़ा था, वो फिर अपने घर लौटेंगे, इसकी गारंटी कौन देगा? क्या प्रधानमंत्री इसकी गारंटी देंगे? हम जानना चाहते हैं। कश्मीरी पंडित।